नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 6 आज शुरू करेंगे अपने, जिसका नाम है नए प्रश्न एवं नए विचार। जिस प्रकार से आप कक्षा 6 में आए हैं तो आपको भी क्या है, नए कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आए होंगे कि हाँ भाई, ये दुनिया में ये सारी चीज़ें ऐसे किस प्रकार से हैं, या फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस भी आए होंगे कि भगवान क्या है, या ऐसी क्या नेचुरल पावर है जिससे ये सारी पृथ्वी जो है वो सक्रिय रूप से काम कर रही है बिना रुके हुए, ये ब्रह्मांड का सारा सिस्टम क्या है, मतलब ये पूरी दुनिया को चला कौन रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कहाँ से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये इस प्रकार के दिमाग में जो क्वेश्चन हैं वो आपके भी आए होंगे, जो अन्य विचारक हैं उनके भी आते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आज के समय में ही हमारे दिमाग में आने लगे हैं? ऐसा नहीं है। जो पर्सन है भगवान के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में जानने के लिए, मृत्यु के बाद क्या होगा इस चीज़ को जानने के लिए, या फिर कि जो ये पूरा संसार है इसको किस प्रकार से गतिशीलता प्रदान की जा रही है, कौन इसको इतना क्या है व्यवस्थित रूप से चला रहा है, इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में ज़रूर आते हैं, और वह क्वेश्चन क्या है उस समय भी आए होंगे। यानी अब क्या है, ये नए प्रश्न और नए विचार का मतलब ये नहीं है कि अभी के ये प्रश्न हैं, इनका अर्थ है कि जब इंसान ने क्या है शहर बसाना शुरू कर दिया, एक बड़े बड़े राज्य बनने शुरू हो गए, तब उनके दिमाग में क्या है कुछ और चीज़ों के प्रश्न भी आने लगे थे। वो नए प्रश्न क्या थे और नए विचार क्या थे, उन प्रश्नों और उन विचारों के बारे में इस पाठ में अपने चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ क्या है आपके भी शायद कुछ प्रश्नों का उत्तर अपने दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर शुरुआत की गई है आपको बताने की बुद्ध की कहानी के द्वारा, कि बुद्ध की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, या बुद्ध कौन था। जैसे मैंने कहा कि भगवान क्या है, ये जो दुनिया के अंदर दुख है या सुख है, कोई कितना अमीर रहता है, कोई कितना गरीब रहता है, किसी के पास खुशियां ही खुशियां हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा दुख है। एक समय ऐसा आता है जिसके पास दुख थे उसके पास अब खुशियां हैं, और जिसके पास खुशियां थी उसके पास अब दुख है। तो ये चीज़ें इतने चेंज कैसे हो सकती है, किस प्रकार से जो पृथ्वी का ये सारा संचालन हो रहा है वो व्यवस्थित रूप से स्थगित रूप से किस प्रकार से हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों का जानने के लिए क्या है एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही एक बालक था शाक्य वंश का, शाक्य गण था एक, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था दो प्रकार के राज्य थे, एक जो थे वो राजतंत्रात्मक थे और दूसरे जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, जिनमें क्या है गणों का शासन हुआ करता था। तो उसी प्रकार से क्या है एक शाक्य गण था जिसके अंदर एक क्षत्रिय कुल था, उसके अंदर सिद्धार्थ नामक बच्चे का जन्म होता है, जिस प्रकार से अपने बच्चे हैं तो उसी प्रकार से एक बच्चे का वहाँ पर क्या होता है जन्म होता है, और उस बच्चे के भी दिमाग में क्या है वही प्रश्न आते हैं जो हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं। उसने उन प्रश्नों की जांच करने के लिए या उनको खोजने के लिए क्या है क्या क्या किया वो उसकी स्टोरी में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सिद्धार्थ या कह लो आप गौतम, ठीक है, इसका शुरुआत का नाम क्या था सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पालने वाली माँ थी ना दाए माँ, ठीक है, वो उसका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी दाए माँ, ठीक है। इसकी असली माँ का नाम महामाया, महामाया के पुत्र होता है सिद्धार्थ। जब क्या है सिद्धार्थ देश जैसे जैसे बड़ा होता है तो इसके दिमाग में क्या है इस प्रकार के प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं कि कोई इतना दुखी या बुढ़ापा किस प्रकार से किसी को परेशान कर सकता है, कोई खुश है तो वो किस वजह से है, कोई दुखी है तो वो किस वजह से दुखी है, किसको क्या नहीं मिल पा रहा है, क्या उन्हें क्या प्राप्त कर पा रहा है, उन सभी चीज़ों के प्रश्न उसके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए क्या है वह एक समय आता है जब अपना घर छोड़कर जाने की सोचता है। यह वह समय था जब क्या है लोग तेज़ी से क्या है परिवर्तन हो रहे थे, महाजनपदों में कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, हजारों सालों के बाद फिर से क्या है नगर बसे थे,
गांव में जीवन में भी क्या है बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इस चीज़ को क्या है जानना चाहते थे और सच्चे ज्ञान या जीवन के अर्थ को जानना चाहते थे विचारक। और उन्हीं चीज़ों को जानने के लिए क्या है बुद्ध ने घर छोड़ दिया, अपने पुत्र पत्नी पिता और राजपाट सब कुछ चीज़ों को छोड़कर ही है क्या है युवावस्था में घर को छोड़कर त्याग करके चला जाता है। छोटे गण का ये राजा था, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे क्या करते रहे, भ्रमण करते रहे, यानी सेकंड स्टेज इनकी जीवन में क्या आता है, भ्रमण करते रहे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ये एक गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु, इस प्रकार से गुरुओं को बदलते रहे ताकि इनको कोई इनको वास्तविक ज्ञान दे सके, जो इनके प्रश्न थे उनका वास्तविक अर्थ उनको समझला सके, जो इनके प्रश्न थे उनका वास्तविक उत्तर इनको मिल सके। इन चीज़ों के बारे में यह लगातार प्रयत्न करते रहे और इसी के कारण यह लगातार भ्रमण करते रहे। ठीक है, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय कर लिया कि भाई किसी के पास, किसी गुरु के पास इनको क्या है वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण क्या है ये अब स्वयं ज्ञान की खोज करने के लिए एकांत में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके लिए इन्होंने क्या है बोधगया में भी जो बिहार के अंदर है एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोधगया नामक स्थान है कहाँ पर, आज का जो बिहार राज्य है उसके अंदर बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या प्रारंभ कर दी। अब लगभग 6 महीने तक यह है ये तपस्या करते रहे। उसके बाद इन्होंने थोड़ा अन्न ग्रहण किया और थोड़े समय में फिर ये क्या है तपस्या में लगातार लीन रहने लगे। तो धीरे धीरे क्या है एक समय ऐसा आया जो अब अंततः उन्हें क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध के नाम से विख्यात ये हुए। अब क्या है इनको बुद्ध नाम से जाने लगा, यानी विद्वान जिसको क्या है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, वास्तविक ज्ञान जिसको मिल चुका हो वह ये बन चुके थे। पहले क्या थे, हम और आप की तरह साधारण सिद्धार्थ या कह लीजिए गौतम यह थे, लेकिन इन्होंने क्या है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की और क्या बन गए, बुद्ध बन गए, विद्वान या बुद्ध बन गए। यहाँ से वे क्या है वाराणसी के निकट स्थान सारनाथ गए, यानी दूसरा यह है क्या था पहला इम्पोर्टेंट स्थान है, दूसरा इम्पोर्टेंट स्थान सारनाथ। कहाँ बताया, वाराणसी के निकट, वाराणसी यानी यूपी उत्तर प्रदेश के निकट, वाराणसी यानी सारनाथ, सॉरी वाराणसी के पास सारनाथ में ये गए और वहाँ पर इन्होंने क्या है पहली बार उपदेश दिया। उपदेश देने का मतलब क्या हुआ कि पहली बार इन्होंने अपने ज्ञान का व्याख्यान किया, पहली बार लोगों को क्या है ज्ञान से परिचित कराया, उनको वास्तविक ज्ञान देने का कार्य किया। सारनाथ में प्रथम उपदेश, सारनाथ वाराणसी के पास जो स्थान है वहाँ पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिए।
और अंततः क्या है, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनारा, कुशीनारा नामक जो स्थान है वहाँ पर इनकी क्या है में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन विशेष स्थानों स्थान थे इनके जीवन में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, लुम्बिनी में ये पैदा हुए, बोधगया में ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं, और कुशीनारा में यह क्या है मर जाते हैं। पैदा लुम्बिनी में, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में पहला उपदेश, और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु तक क्या है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है और यहाँ से जब ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब तक यह क्या है अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते रहे और लगातार लोगों को अपने ज्ञान की शिक्षा देते रहे। चलिए थोड़ा सा इनके ज्ञान का अपने भी रसपान करते हैं। पहली चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ जो सारनाथ के अंदर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इस उपदेश वाले स्थान पर क्या बनाया गया था, स्तूप बनाया गया था। ठीक है, स्तूप क्या होते हैं, एक प्रकार की टीलानुमा संरचना होती है, इसके बारे में अपने क्या है नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सारनाथ का स्तूप बनाया गया था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, अभी क्या है इनके ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। सच्चा ज्ञान जो इनको मिला था वह ज्ञान क्या बतलाता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन और कष्टों, जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा लालसाओं के कारण होता है। ठीक है, यानी बात करें अपने बुद्ध की शिक्षा, तो बुद्ध की शिक्षा क्या थी भाई, जीवन किससे, कष्ट प्लस दुखों से भरा हुआ है, किसके कारण, लालसा इच्छा के कारण, यानी हमारी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उन सभी के कारण क्या है जो हमारा जीवन है वो कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है, और जो कभी भी क्या है पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज़ के लिए क्या है मेहनत करते हैं तो उसके दौरान हमें कष्ट होता है, हम दुख भोगते हैं। क्यों भोगते हैं, क्योंकि वह हमारी इच्छाएं बन चुकी हैं, हमारी उम्मीदें उनसे जुड़ चुकी हैं, वो चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं। और एक इच्छा जब हमारी पूरी होती है तब हम दूसरी इच्छा के ऊपर चले जाते हैं, यानी कभी भी हमारी जो मन की लालसा है वो पूरी नहीं होती। कि ये नहीं होता कि हाँ भाई मेरे को ये एक चीज़ प्राप्त हो गई तो मैं संपूर्ण हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। कभी भी जीवन में क्या है संतुष्टि नहीं आती है किसी चीज़ को प्राप्त करके, क्योंकि आगे से आगे लालसा और इच्छाएं क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और उन्हीं के कारण क्या मिलता है हमें, जीवन किसके का घर हो जाता है, कष्ट और दुखों का घर हो जाता है। यह क्या थी, बुद्ध की प्रथम शिक्षा थी। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर से हम संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की हम इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा या तहया को तृष्णा कहा है। ठीक है, यानी इस लालसा या इच्छा को बुद्ध ने क्या कहा है, या फिर तृष्णा। ठीक है, यह जो बुद्ध वाला बताया गया है यह प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत भाषा, और यह हमारा हिंदी के अंदर शुद्ध रूप है इसका, तृष्णा। ठीक है, तृष्णा का इच्छा भी मतलब भी क्या होता है, ऐसी इच्छाएं जो पूरे होने का नाम ही न ले, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। ठीक है, इसलिए बुद्ध ने शिक्षा क्या दी,
इस सारे मैटर को सुलझाने के लिए, इस सारे मैटर को सुलझाने के लिए शिक्षा दी कि हमें क्या रखना चाहिए, अंतम संयम अपनाना चाहिए। क्या कर सकते हैं? आत्म संयम अपना कर हम इन तृष्णा या कह सकते हो लालसाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब सोचिए कि अगर तृष्णा या इच्छा या लालसा नहीं होगी तो क्या होगा? तो व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए दुखी नहीं होगा, उसके अंदर दुख विषाद या कष्ट की जो स्थिति होगी वो नहीं होगी। लेकिन इसके कारण एक और स्थिति पैदा होगी कि व्यक्ति अगर किसी चीज़ की इच्छा या लालसा नहीं करेगा तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और जब तक ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब तक उस चीज़ का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकताएं कब जन्म लेती हैं? जब हम उन चीज़ों की इच्छाओं का बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से यह सही है कि अपन अगर क्या है आत्म संयम मनाएं, यानी ऐसी चीज़ों की ही इच्छा रखें या ऐसी चीज़ों की ही लालसा रखें जो हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या है श्वास के लिए ऑक्सीजन के प्रति क्या रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। पानी को बचाने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, पानी को पास रखने की इच्छा होनी चाहिए। खाना बनाने या नया खाना लाने की क्या है इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि यह है क्या है हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनकी इच्छाएं होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ऐसी इच्छाओं के बारे में सोचें जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती है, उन इच्छाओं को अगर अपने सोचते हैं, उन इच्छाओं या तृष्णाओं की अपने लालसा रखते हैं, तब हमें क्या भोगना पड़ेगा, कष्ट या दुखें भोगने पड़ेंगे। इसीलिए कहा गया है आत्म संयम अपना कर, यानी इच्छा रखी जाए लेकिन उन इच्छाओं पर क्या रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। वो इच्छाएं आपको कंट्रोल ना करें, ऐसा ना हो बजाय कि आप इच्छाओं को कंट्रोल करें। ठीक है, यह क्या है प्रथम चरण था इसकी शिक्षाओं का। यानी पहला हमारा प्रश्न था कि ये लोग जो हैं इतने दुखी क्यों हैं, तो बहस सोल्व हो गया कि भाई दुख किस कारण आता है, ऐसी इच्छाओं की इच्छा करना जो क्या है पूरे होने के लायक ही नहीं है तो हमें दुख होगा। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट, और साथ ही साथ उन्होंने क्या हिदायत दी थी भी कि दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा उन्होंने दी। दयालुता प्लस जानवरों व मनुष्यों के जीवन का आदर करने की उन्होंने शिक्षा दी। यानी इसके अनुसार ये था कि जिस प्रकार से अपने मनुष्य को मारने से पहले सोचते हैं कि उसको नहीं मारना चाहिए, उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, उसका परिवार ख़त्म हो सकता है, उसी प्रकार से क्या है जानवरों के जीवन भी क्या है महत्वपूर्ण है, उनके जीवन का भी क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनके लिए भी हमें सत्कार की भावना और आदर्श भावनाएं उनके प्रति रखनी चाहिए। यानी वो किसी भोगने की वस्तु नहीं है, वो खाने की वस्तु नहीं है, उनको क्या है मारकर अपने निजी सुखों की पूर्ति अगर अपने करते हैं तो वह गलत होगा। ऐसा क्या है बुद्ध की शिक्षाओं के अंतर्गत था। और ऐसा अगर अपने सोचेंगे कि उनको नहीं मारना चाहिए, उनके जीवन का आदर रखना चाहिए, तो यह क्या होगी हमारी दयालुता होगी, दया की भावना होगी। इसीलिए क्या कहा गया है दयालु बनने के लिए कहा गया है। साथ ही वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों हमारे वर्तमान जीवन के बाद जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कर्मवाद में विश्वास था उनका, कर्मवाद में विश्वास। कहने का अर्थ था कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो
तो उनका परिणाम हमें वर्तमान में और भविष्य के जीवन में क्या मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उनका परिणाम हमें भले ही आज नहीं मिल रहा हो, यानी बुरा कर रहे हैं तो भले ही बुरा परिणाम आज नहीं मिला हो, भविष्य के जीवन में अवश्य ही क्या है, बुरा परिणाम मिलेगा। ठीक है, यानी आज अगर अपने मेहनत नहीं करते हैं तो वह क्या है, हमारा कर्म सही नहीं है। अगर हमने आज मेहनत नहीं की तो उसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ेगा, उसके लिए हमें दुगना मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम आज किसी चीज़ का बुरा करते हैं तो वह कर्म हमें बाद में नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। ऐसा क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का मानना था या बुद्ध का मानना था कि कर्मवाद के अनुसार अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका बुरा फल और अच्छे कर्म करते हैं तो उनका अच्छा फल हमें अब के जीवन में, यानी वर्तमान जीवन में और बाद के जीवन में अवश्य मिलेगा। अब क्या है, उन्होंने सारी शिक्षाएं जो थी दी थी वो कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में दी थी। प्राकृत भाषा में शिक्षा का ज्ञान उन्होंने दिया था, क्योंकि उस समय क्या है, संस्कृत जानने वाले कुछ ही लोग थे और जो प्राकृतिक भाषा का ज्ञान था वो जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी, वो कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा। जनसाधारण के बोलचाल की भाषा कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत भाषा में उपदेश देने से फ़ायदा क्या रहा कि जो उनके अनुयायी थे वो साधारण वर्गीय लोग जो संस्कृत को नहीं समझते थे वो लोग भी अब क्या है उसके अनुयायी बनने लगे थे। अब उनको भी क्या है, यह जो वास्तविक ज्ञान था, जीवन का सार था, जो वेदों के द्वारा संस्कृत नहीं आने के कारण उनको नहीं मिल पा रहा था, वो अब उनको प्राकृतिक भाषा में बुद्ध के द्वारा प्राप्त हो रहा था। हाँ, जो बात कही गई है वो सही है, यह ज्ञान वेदों के अंतर्गत भी है। कर्मवाद का जो सिद्धांत है वह, या इच्छाओं के कारण जो सारी दुख है, वो सब चीज़ें क्या है, वेदों के द्वारा पहुँच, मतलब ज्ञान दिया गया था या वेदों के अंदर यह ज्ञान समाहित है। लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण उस समय के लोग क्या है, उस चीज़ को नहीं समझ पाते थे। बुद्ध ने वह ज्ञान प्राकृत भाषा में दिया, जिसके कारण लोग उसको एक ज्ञानी पुरुष और वास्तविक ज्ञानी के रूप में जानने लगे, जिसने क्या है उनका कल्याण किया हो या वास्तविक ज्ञान उनको दिया था, इसीलिए लोग क्या है बुद्ध धर्म को मानने लगे थे। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं करें कि यह उसका उपदेश है। ठीक है, यानी अगर बुद्ध ने कहा है तो उसको मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्ध के अनुसार यह था, बुद्ध का कहना था कि अगर क्या हुआ है, जो शिक्षा दी गई है उसको स्वविवेक से, यानी अपने विवेक से, अपने विवेक व बुद्धि से जांच व समझकर क्या करें, उस शिक्षा को अपनाने का कार्य करें। ऐसे नहीं है कि सिर्फ बुद्ध ने कह दिया तो वह सही है या उस शिक्षा को मान लिया जाए। ठीक है, यह बुद्ध का मानना था। अब देखिए कि बुद्ध क्या है, जो ज्ञान देने का बुद्ध का तरीका था वह बहुत ही अच्छा था, यानी लोगों को उनके कष्टों का निवारण करने के लिए जो बुद्ध तरीका अपनाते थे, उन तरीकों में क्या था, एक भावनाएं छुपी होती थी, भावनात्मक रूप से सहारा उनको मिलता था और ज्ञान भी उनको आसानी से प्राप्त हो जाता था। जो साधारण शिक्षाएं जीवन की उनको पता होनी चाहिए, उसके लिए उनको किसी विशेष अध्ययन किताबों या ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। बुद्ध जो थे उनके वो दैनिक जीवन के सिद्धांतों के अनुसार ही क्या है उनको शिक्षा दिया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे सिलेबस में स्टोरी है, एक किस्सा गौतमी की कहानी जो है, किस्सा गौतमी की कहानी, उस कहानी से अपने सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बुद्ध जो थे वो साधारण जो नियम होते हैं जीवन के, उन नियमों को, साधारण चीज़ों को, साधारण शिक्षाओं को
जो हमारे को पता होनी चाहिए, उसके लिए किसी ग्रंथ आदि का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो किसा गौतमी थी, उसका जैसा कि कहानी में बताया गया है, एक पुत्र था जो क्या हो जाता है, मर जाता है। पुत्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसा गौतमी के, ठीक है। इसलिए वो जगह जगह भटकती रहती है, क्या है, शव को लेकर जगह जगह जाती है। किस लिए, पुनः जीवित करवाने के लिए, कि भाई मेरे बेटा जो है उसको दोबारा से ज़िंदा कर दिया जाए, ठीक है। तो किसी ने उसको कह दिया कि यू शुड गो टू बुद्ध, कि तुम्हें बुद्ध के पास जाना चाहिए, भाई वो ज्ञानी आदमी है, वो शायद क्या बता ज़िंदा कर ही दे। बुद्ध ने कहा कि मैं ज़िंदा कर दूंगा, बस करना क्या होगा तेरे को, तेरे को क्या है, अनाज लाना है, ठीक है। यू हैव ओनली वन थिंग, सॉरी यू हैव डू ओनली वन थिंग, क्या करना होगा, अनाज लाना होगा। वो बोली मैं ला सकती हूँ, अनाज कहाँ से लाना है, जिसके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से क्या लाना है, अनाज लाना है। लेडी फिर भी जाती है, किसा गौतमी सारी दुनिया घूम लेती है, मतलब सारी दुनिया का कहने का मतलब सारी जगह वो घूम लेती है जहाँ वो जा सकती थी, और जाती है। लेकिन उसको किसी भी जगह पर क्या नहीं मिलता है, ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जहाँ मृत्यु ना हुई हो, मृत्यु ना हुई हो, ऐसा कोई घर नहीं। तो यह क्या है, एक वास्तविकता है जीवन की, कि जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा शोक द्वेष करने की क्या आवश्यकता है, हालांकि किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हमें दुख होता है, यह निश्चित बात है, दुख होना स्वाभाविक है क्योंकि हमारा मोह था उससे। लेकिन उसी दुख के कारण हमारे संपूर्ण जीवन को व्यर्थ करने का जो तरीका है वह गलत है। इस चीज़ की शिक्षा क्या है, बुद्ध ने उस किसा गौतमी को दी, साथ ही साथ सभी जो अनुयायी थे उनको इस चीज़ की शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जो है उसका संहार एक ना एक दिन होना अवश्य है। उस व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण स्वयं को दुखी करना या बहुत ज़्यादा परेशान करना क्या है, सही नहीं है, क्योंकि मृत्यु क्या है, निश्चित है। मृत्यु क्या है, निश्चितता है, मृत्यु अवश्य होगी। जिसने इस संसार में क्या लिया है, जन्म लिया है, उसका मृत्यु होना अवश्य है। जो इस चीज इस संसार में क्या होती है, जन्म लेती है, पैदा होती है, वह किसी न किसी एक दिन जरूर मरती है। तो यह क्या थी, बुद्ध की शिक्षाएं थी। बुद्ध के जीवन के द्वारा हमें इन चीज़ों से ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट चलता है वह है उपनिषद। देखो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, तो वैसे ही केवल बुद्ध ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके दिमाग में इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे, ठीक है। बुद्ध केवल ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जानना चाहता था कि ये जो व्यक्ति में जन्म होता है, जीवन होता है, बाद में मृत्यु होती है, ये सभी चीज़ों का कारण कौन है, कौन इस चीज़ों को स्थगित कर रहा है, चला रहा है, गतिशील कर रहा है, गतिमान करने वाला कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानना चाहते थे अन्य विचारक भी क्या है, इन चीज़ों का पता लगाना चाहते थे, ठीक है। और बुद्ध का कह लीजिए या बुद्ध से जीवन से क्या है, थोड़ा पहले अन्य चिंतक जो थे वो भी कठिन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे। यानी प्रश्न क्या थे उस समय अन्य विचारकों के, मृत्यु के बाद का जीवन, यानी जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या होगा, ये वो जानना चाहते थे। या फिर यज्ञों की उपयोगिता, इन सभी प्रश्नों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से
उन्होंने यज्ञ की उपयोगिता क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, या सारी चीज़ों को गतिमान करने वाला क्या कौन होता है, इन चीज़ों का पता किस प्रकार से लगाया, और इसमें उपनिषद का क्या भाग है। धन्यवाद।